24 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के दौरान हुई नवरीत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अफवाहें फैलाने वालों को जमकर फटकारा था। लेकिन अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौत पर भी सियासत शुरू कर फेक न्यूज फैलाने का काम शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन की वजह से विपक्ष को मानो राजनीति चमकाने का एक नया मुद्दा मिल गया हो। यही वजह है कि किसानों को अपना समर्थन देने विपक्षी नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन नोकेली कीले लगे होने की वजह से सभी नेताओं को किसानों से बगैर मिले ही जाना पड़ा। आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। वह पुलिस बैरिगेटिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गई और उसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। उसके परिवार से मिलने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची। मौत पर सियासत कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, प्रियंका के इस दौरे से एक बार फिर ये साबित हुआ है। इसके जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर नवरीत की मौत पर प्रोपेगेंडा फैलाते हुए इसके लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि नवरीत कनाडा से आए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई। प्रियंका गांधी रामपुर में आज उनके परिवार से मिलेंगी। प्रियंका के दौरे से पहले ये बयान देने वाले लल्लू सिर्फ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं हैं, उनके बचाव में खुद प्रियंका आलेख लिखती हैं। इससे समझा जा सकता है कि इस प्रोपेगेंडा को हवा देने का इशारा उन्हें कहां से मिला होगा। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के दौरान हुई नवरीत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस बैरिगेड को तोड़ने की कोशिश करने के दौरान उसे पुलिस ने गोली मार दी थी। कई पत्रकारों और राजनेताओं ने फर्जी खबरों को हवा दी थी। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें देखा गया था कि पुलिस बैरिगेड को तोड़ने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट जाता है, जिससे ट्रैक्टर चालक नवरीत सिंह की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी दिल्ली पुलिस के स्पष्टीकरण की पुष्टि हुई थी। लेकिन प्रोपेगेंडा और राजनीतिक अवसरवाद के जरिए यूपी में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस को इनसे फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि पार्टी सच्चाई को पूरी तरह से दरकिनार कर अपना नैरेटिव आगे बढ़ाने में लगी है। झूठ के आसरे कांग्रेस तब गुमराह करने की कोशिश कर रही है जब उसके सांसद शशि थरूर, उसके मुखपत्र से जुड़ी मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर इस मामले में एफआईआर भी हो चुकी है। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी के जहन में किसान आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों से मिलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।